स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर के निघासन थाना क्षेत्र में ओगड़ बाबा मंदिर के पास एक अज्ञात बालिका मिली। लखीमपुर खीरी के निघासन थाना क्षेत्र के ओगड़ बाबा मंदिर, जो कि काफी पुराना मंदिर है, जहां हर सोमवार को बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, मंदिर के कपाट नहीं खुले। आज सुबह से ही पुलिस का पहरा रहा। मंदिर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर एक अज्ञात बच्ची मिली। ढकेरवा रोड पर झाड़ियों में, जो कि वहां से गुजर रहे लोगों को बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। वहां पर एक अज्ञात बच्ची झाड़ियों में पड़ी थी। ओगड़ बाबा मंदिर पर पहले से मौजूद पड़ुआ चौकी के सिपाही कैलाश कुमार को बताया। मौके पर पहुंचे कैलाश ने बच्ची को मंदिर पर लेकर आ गए। पता लगा तो उसका कोई वारिस नहीं था। तभी लीलावती पत्नी उत्तम सनाप सूरज पाल त्रिलोकी गौड़ी जिला बहराइच ने ले लिया। वहां पर मौजूद लोगों ने सिपाही कैलाश कुमार का बहुत बहुत आभार जताया। जिला संवाददाता शारिफ अली की रिपोर्ट।